हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं रिंकू, रिंकू मोबाइल चैनल में आपको स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज हमारे पास ये सैमसंग की हैंड फ्री आई है, क्योंकि ये दोस्तों ये ख़राब है, इसका एक स्पीकर है काम नहीं कर रहा है। दोस्तों दिखाते हैं इसको कि ये कैसे ठीक होएगी। इसको खोलते हैं, जो कि इसकी ये वाली वायर है, देखिए दोस्तों यहाँ से कटी हुई है, हल्की सी क्रैक लग रही है दोस्तों। तो इसको देखिए खोलते हैं। इसमें आप कोई भी ओपनर या कोई भी चिमटी वगैरह डालेंगे, उसके साथ खोल लेना, या नाखून थाई हैं उसके साथ खुल जाएगी। तो दोस्तों देखिए इसको खोल लिया हमने। तो दोस्तों देखिए इसकी जो कि एक वायर है जो छोटे वाली है, ये यहाँ से क्रैक है दोस्तों। इसको उतार लेंगे काबी के साथ। तो उतार के इसको फिर नई सिरे से छील के लगाएंगे इस पर। दोस्तों देखिए इसको काबी से उतार लेते हैं। दोस्तों आज की वीडियो जो कि छोटी होने वाली है, देखिए दोस्तों जो कि हमने इसको वायर को निकाल लिया है। अब इसको दिखाता हूँ मैं आपको, जूम करता हूँ थोड़ा सा। देखिए दोस्तों जो कि ये वायर है हमारी यहाँ से क्रैक, तो यहाँ से क्रैक के इसको काट लेंगे यहाँ से। तो काटने के बाद ही पता लग जाएगा दोस्तों ये कहाँ से क्रैक थी, कहाँ से टूटी हुई है। अगर ज़्यादा ख़राब होगी तो नहीं लगा देंगे, नहीं तो इसको ही देखते हैं ठीक करके। दिखाता हूँ दोस्तों आपको मैं। देखिए दोस्तों निकालते हैं इसको, फटाफट छीलते हैं। देखिए दोस्तों जो कि ये यहाँ से आधी टूटी हुई थी, दिख रही है आपको, रेड से ही आधी है, यहाँ से क्रैक थी इसलिए काम नहीं कर रही थी। तो इसको काट के बराबर कर लेंगे दोस्तों। तो ये बराबर हो चुकी है। तो दोस्तों इसकी जो ये हमने काटी थी तारे, इन पे सोल्डरिंग कर लेंगे, ताकि जो हमारी हैंड फ्री का वो पत्ता होता है माइक वाला, उस पर इसको अटैच कर सके सोल्डरिंग के थ्रू। ये दोस्तों जो कि हमारी सोल्डर हो चुकी है वायर दोस्तों, अब इसको जो ये माइक वाला पत्ता है इस पर अटैच कर देंगे। करते हैं सोल्डरिंग दोस्तों इस पर। देखिए दोस्तों एक कर दिया है, और दूसरे वाले को भी करते हैं अब। देखिए दोस्तों जो कि हमारी तार पर हमने इस पर टांके लगा लिए हैं, और इसको चेक करते हैं फ़ोन में लगा के इसमें की आवाज़ आ रही है नहीं आ रही। दोस्तों देखिए जो कि हमने इसको चेक कर लिया है, इसमें आवाज़ सही तरह आ रही है दोस्तों। अब इसको फिट कर देते हैं, जैसे इसको खोला था वैसे फ़िट कर देंगे दोस्तों। तो फिट करने भी आसानी है, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ा ध्यान रखना होता है कि हमने इसको खोला कैसे था, कहाँ पर इसका माइक और कहाँ पर बटन है, उसी हिसाब से हम इसको बंद कर लेंगे दोस्तों। अब इसको भी इस पर रख के फिट कर देंगे, ताकि हमारी जो ये वायर है और ये छोटा सा मदरबोर्ड दे रखा है इसका लीड का, तो यहीं पे इसको फिक्स हो जाएगा, हिलेगा नहीं। तो देखिए दोस्तों हमारी एंट्री ठीक हो चुकी है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना दोस्तों। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए दिल से आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।